जवानों की ताकत पर वहां पर कैंप स्थापित हो रहा है जहां जा पाना मुश्किल होता है। और अब जब कैंप का मतलब आप ये सोचते हैं तो पुलिस का कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन की दुकान, गैस का सिलेंडर, ये सब कुछ पहुंच रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसकी बड़ी व्यवस्था है पहले से ही। अब नक्सलियों की मांद में घुसने की बात है, अब नक्सलिज्म को समाप्त करने की बात है। दो तरह हैं। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा यहाँ मौजूद हैं। सुकमा में जो एक नक्सली मुठभेड़ हुई है जिसमें 3 जवान CRPF के शहीद हुए हैं और 14 से ज़्यादा घायल हैं। विजय शर्मा जी तुरंत यहाँ पे पहुँचे हैं, अब इस संबंध में मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा भी होगी और उसके बाद घायलों को देखने वो अस्पताल भी जाएंगे। ये जो घटना हुई है, क्या जानकारी मिली, अब पुलिस इसको लेकर क्या एक्शन लेने वाली है? जिला सुकमा के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेकलगुड़ा ऐसा स्थान है जहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है। अभी और भी कोशिश की गई थी कैंप के स्थापित करने की, परंतु वो नहीं हो पाई थी और बड़ी संख्या में हमारे जवान शहीद हो गए थे। इस बार अभी भी सूचना आ रही 3 जवान शहीद हुए हैं। फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसका सकारात्मक पक्ष आप देखेंगे तो जवानों की ताकत पर वहाँ पर कैंप स्थापित हो रहा है जहाँ जा पाना मुश्किल होता है। और अब जब कैंप का मतलब आप ये सोचते हैं तो पुलिस का कैंप नहीं है, वो विकास का कैंप है। वहाँ पर उस कैंप के पीछे रोड, बिजली, पानी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन की दुकान, गैस का सिलेंडर, ये सब कुछ पहुँच रहा है। अभी आप हॉस्पिटल में जाएंगे घायलों को देखने के लिए, कुछ घोषणा कुछ इन लोगों के लिए की आप? ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ऐसी जब दुर्घटनाएं होती हैं तो इसकी बड़ी व्यवस्था है पहले से ही, उसमें कुछ विशेष अतिरिक्त करने की आवश्यकता। अधिकारियों से संबंध में कोई बातचीत हुई बस्तर IG से? सभी से बातचीत हो रही है। जो IG हैं बस्तर के उनसे बात हुई, जो DG हैं वो वहाँ पर हैं उनसे भी बात हुई है, सभी से बात हो रही है। ये एक चीज़ और है कि अब क्या इस घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ाया जाएगा? और एक सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद नक्सली हमले बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 वर्ष लगातार वारदात, इसके पीछे क्या? नक्सली हमले बढ़े नहीं भैया, अब नक्सलियों की मांद में घुसने की बात है, अब नक्सलिज्म को समाप्त करने की बात है। दो तरह हैं। बातचीत चर्चा के लिए सरकार हमेशा तैयार है, और नहीं तो और पीड़ा समाज नहीं सह पाएगा, ऐसा विषय है। चलिए, ये थे विजय शर्मा जी, और इनका कहना है कि अब समाज इस तरह के घटना, इस तरह के वारदातों को नहीं सहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बातचीत के भी की जाएगी, मगर इस तरह की घटना अगर दोबारा होगी तो उसको इस तरह से जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस जगह पर यह घटना हुई है वहाँ पर कैंप खोले जा रहे थे, विकास के काम हो रहे थे, और उस दौरान ये घटना यहाँ पर घटी है। और उन्होंने पूरी जो इस घटना में जवान शहीद हुए हैं उसके प्रति संवेदना व्यक्त की है, और घायलों को उचित इलाज हो, उचित राहत मिले, इसके लिए निर्देश भी उन्होंने दिए। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।